अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद सलमान रज़वी और आप देख रहे हैं सना खान मुस्तफ़ा बैंगलोर चैनल को। आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और जैसा कि आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखिए पता चल गया होगा थंबनेल देख के, आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ हज़रत सहाबी रसूल तमीम अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार की, जो कि एक सहाबी रसूल है माशाल्लाह। और इनका व्लॉग मैंने ऑलरेडी एक अपलोड किया है, तो ये मेरा पार्ट टू व्लॉग है, और इसमें जो मेरे साथ इनकी करामत गुजरी है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। आज मैं कोलम शरीफ आया हुआ हूँ, मेरे पीछे आपको दरबार नज़र आ रहा होगा, खूबसूरत सा एक गुंबद है हज़रत तमीम अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो चलिए अंदर चलते हैं और ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद बीच के पास जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे मैं आपको इनकी सारी जो भी है मैं वो वाक़ियात इंशाल्लाह सुनाऊंगा। तो बने रहें वीडियो के साथ आखिर तक। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारा कंटेंट। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें अपनी खिदमत करने का मौका अता फरमाएं। तो चलिए नाज़रीन, आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैर पर आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा भी मुकद्दर, मेरे घर रसूले खुदा गए हैं। उठी चार सो रहे मतों की घटाए, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फजाए। उठी चार सो रहे मतों की घटाए, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फजाए। खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, वो शफ़ाए रोज़े जज़ा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैर बरा गए हैं। ये ज़ुल्मत से कह गए दो के बेड़े उठा ले, के गए घर तरफ अब उजाले उजाले। ये ज़ुल्मत से कह गए दो के बेड़े उठा ले, कि है घर तरफ अब उजाले उजाले। कहा जिनको हक ने सिराजुन मुनीरा, मेरे घर वो नूरे खुदा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैर परा गए हैं। मुकर्रब है बेशक खलीलो नजी भी, बड़ी शान वाले कलीमो मसीह भी। मुकर्रब है बेशक खलीलो नजी भी, बड़ी शान वाले
तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन हो गई ज़ियारत मुकम्मल हज़रत सहाबी रसूल तमीम अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार की। देख अपने माशाल्लाह कि कितना प्यारा दरबार है सरकार का। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें यहाँ पर हाजिरी मिली, यहाँ पर हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। ये मेरा सेकेंड व्लॉग है नाज़रीन, ये मेरी यहाँ पर दूसरी मरतबा हाजिरी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं यहाँ पर आया था 2020 में जनवरी 26 को आया था, और उसके बाद फिर से आने का 2-3 महीनों में इरादा था, लेकिन तभी लॉकडाउन शुरू हो गया था। फर्स्ट लॉकडाउन था और वो अप्रैल के महीने से शुरू हुआ था और बहुत कठिन लॉकडाउन हो गया था। अभी दूसरी मरतबा हाजिरी हुई है माशाल्लाह नाज़रीन। जब मैंने व्लॉग बताया था ना, वो व्लॉग का लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, उस व्लॉग को ज़रूर देखें। उसमें मैंने हज़रत की मुकम्मल हिस्ट्री बताई है और हज़रत का जो है दरबार की कंप्लीट ज़्यारत भी करवाई है। इस व्लॉग में मैंने मुख्तसर इसलिए किया क्योंकि मुझे जब मैंने अंदर परमिशन ली वीडियो करने के लिए, तो उन्होंने जो वहाँ के मुजावर थे उन्होंने बताया जल्दी करके जाओ, थोड़ा पब्लिक है करके, इसलिए मैं जल्दी से 1-2-3 शॉट्स ले लिया। और अगर आपको मुकम्मल दरबार की ज़्यारत करना है और मुकम्मल हिस्ट्री जाननी है तो उस व्लॉग को ज़रूर देखें, ये पार्ट 2 व्लॉग है। और जब मैं नाज़रीन जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं आया था ना, तो ऐसे ही मैं जब दरबार का वीडियो बाहर से शूट कर रहा था तो मेरे अब्बू मेरे साथ थे और वो कहने लगे माशाल्लाह सहाबी रसूल का दरबार है, और ये देख के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा हम सहाबी रसूल के दरबार में है करके ऐसे कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा था वीडियो डालो इंशाल्लाह अच्छा व्यूज़ आएगा करके बोल के। तब मेरे तकरीबन 1000-2000 व्यूज़ मैक्सिमम व्यूज़ थे चैनल पे, और उसी को 1000-2000 मतलब 1K-2K व्यूज़ आते थे वीडियोस पे, मतलब हर वीडियो पे नहीं, कोई एक वीडियो 1K-2K क्रॉस हुआ था, और वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी 1000 व्यूज़ आना। तभी मैंने ऐसे ही दरबार पे वीडियो काटते करते मैंने मेरे अब्बा से कहा था अगर 1 लाख व्यूज़ हो गए इस दरबार के तो इंशाल्लाह हमें फिर से आएंगे दरबार पे करके। ऐसे ही मैंने कुछ मन्नत नहीं की, बस ऐसे ही अब्बू के पास मैंने बात सुनाई थी, बस मेरा व्लॉग अपलोड करना था। मैं अब जब अपलोड किया ना तो बराबर 2 डेज में नाज़रीन मैं बहुत मैं देखा हूँ, लेकिन बराबर 2 दिन में 1 लाख जो व्यूज हैं क्रॉस हो गए थे और 1 लाख होके बराबर वो ठहर गया। अगर मैं उस टाइम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कहता, उस टाइम मैं अगर 100 करोड़ रुपए होना कहता, ये पूरा समंदर खरीदना कहता तो वो भी हो जाता था शायद। तब मैंने 1 लाख व्यूज़ कहा था तो 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो गए माशाल्लाह, वो वीडियो देख सकते हैं उसे। अभी 1,20,000 व्यूज़ कुछ हैं, एक तभी एक ही सेकंड में मैं डालने 2 दिन में पूरे हो गए थे माशाल्लाह। उतना ऐसी मेरी मन्नत यहाँ पर हुई और मेरे साथ ऐसी जिंदगी करामत हजरत की माशाल्लाह हुई। तभी मैंने अभी जब मेरे बात तो हजरत के पास तो नहीं कही, लेकिन मेरे मुँह से वो बात निकल गई थी कि मैं यहाँ पर हाजिरी दूंगा करके, उसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की मैंने दरबार पर हाजिरी देने की, नहीं हो पाया मैं। हालांकि रिसेंट जो ईद मिला नबी का महीना गुजरा था तभी मैं चेन्नई आया था, और तभी भी मैं 8 रोज चेन्नई में था, तब भी बहुत ज़्यादा कोशिश की नहीं हो पाया। उसके बाद एक बार फिर से मैं चेन्नई आया था और तब भी मैंने बहुत कोशिश की। तमिलनाडु तो मैं आता रहता हूँ लेकिन हर बार कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। ये वली अल्लाह का दरबार उनका वो हाल है बोले तो, ये सहाबी रसूल का दरबार है और इतने आलिशान सहाबी हैं माशाल्लाह हज़रत तमीम अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका आपने ये हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जिनका जनाजा जो है वो कितने की सालों इसी समंदर में बहता हुआ आया था। तभी जगह अभी जो मज़ार पाक है वहाँ पर जाके वो जनाजा रुका था, और कहा जाता है कि जहाँ पे अभी दरगाह है ना, दरगाह के बिल्कुल पीछे पहले के ज़माने में मतलब आज से तकरीबन 50-60 साल पहले बिल्कुल पीछे पानी हुआ करता था, समंदर का पानी। अभी होते 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 सी लेवल कम होते होते अभी ये 300 मीटर्स या 400 मीटर्स दूर आ गया है दरगाह से बिल्कुल पीछे। हमें चलते आएंगे तो हमें 300 मीटर्स या कुछ मिलेगा ये बीच, और ये पूरा का पूरा कोवलम बीच है, देख सकते हैं उधर रिजॉर्ट वगैरह है। अब आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बुक करके आ सकते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बीच है नाज़रीन। मरीना बीच भी है चेन्नई का, लेकिन वो बहुत सादा है ऐसा भी, जब मेरे पीछे देख रहे हैं ना सब पानी है और मिट्टी है, लेकिन यहाँ पर खतरे हैं, बहुत अलग ही टाइप का यहाँ का एक्सपीरियंस है। आप भी ज़रूर हाज़िरी दें, सहाबी रसूल की बारगाह में भी हाज़िरी हो जाएगी और इतना खूबसूरत बीच में भी मज़ा करने का मौका मिल जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह। हाज़िरी दें, लोकेशन का तो मैं बता ही नहीं पाता, आराम से आप जाके तमीम अंसारी दरगाह बोल के डालेंगे तो आप कहीं से भी आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं इंशाल्लाह यहाँ का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उस लिंक के जरिए आप आराम से पहुंच सकते हैं। और मैं पहले ही कहा था अगर आपको पूरी हिस्ट्री जाननी है और दरबार की पूरी ज़ियारत करनी है तो मेरा व्लॉग ज़रूर देखें, जो पहला व्लॉग है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात बोलना भूल गया नाज़रीन, जो हमारे पूरा का पूरा सफ़र है ना, मतलब मैं जो बेंगलुरु से निकल के चेन्नई आया, चेन्नई से यहाँ पे आया, और पूरा सफ़र में मेरा सेकंड चैनल मोहम्मद सलमान बेंगलुरु में इसका व्लॉग इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा। इस व्लॉग से पहले वो व्लॉग अपलोड हो चुका होगा तो उसका भी इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके उसको भी देखें, वो व्लॉग देखें। सारा का सारा सफ़र मैंने बताया और बीच का भी ये पूरा नज़ारा मैंने क्लीन टू क्लीन दिखाया है,
तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।